मुस्कुराइए, आप डी जोन में हैं। तो आज हम खेलेंगे एक महान और अद्भुत गेम जिसका नाम है फॉर्टनाइट। फॉर्टनाइट और पबजी के बीच में कई सालों से कंपटीशन चलता आ रहा है कि कौन सा गेम अच्छा है। मैं ये गेम पहली बार खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है इस गेम को कैसे खेलते हैं। और जब तक गेम शुरू होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यार ये क्या है, हर एक वीडियो पे 50 के ऊपर लाइक नहीं जाते यार, 500 सब्सक्राइबर वाला चैनल है। इस वीडियो का लाइक का एम हम रखते हैं 90 लाइक्स, तो प्लीज़ इस एम को कंप्लीट कर दीजिए। तो पिछली वीडियो की कमेंट में बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि भाई आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, तो थैंक यू गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना चैनल ग्रो होगा, उतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं गेम की ओर। तो गेम का इंटरफेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम नॉर्मल टाइप ही खेलते हैं क्योंकि हमें इस गेम के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो आपको बता दूं गाइस, मैं इस गेम को खेल रहा हूँ PS4 पे, यानी कि कॉन्सोल पे। लेकिन जो मेरे अपोनेंट्स आएंगे वो सिर्फ कॉन्सोल पे प्लेयर नहीं होंगे, वो मोबाइल प्लेयर हो सकते हैं, वो PC प्लेयर हो सकते हैं। तो अगर व्यूवर्स में से कोई फॉर्टनाइट खेलता हो तो वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, वो मैटर नहीं करेगा कि वो PC पे खेलता है या फ़ोन पे खेलता है, चलेगा, कौन सा भी डिवाइस चलेगा। तो गेम शुरू हो गया है, हमें कुछ पता नहीं कि मैप में कौन सी जगह अच्छी है या कौन सी जगह ख़राब है लूट के लिए। तो हम कहीं भी लैंड कर लेंगे, लक होगा तो लूट अच्छी मिल जाएगी। इस गेम के ग्राफिक्स कार्टूनिश होने के बावजूद भी बहुत अच्छे दिखते हैं, मैप भी इसका बहुत बड़ा है, कहीं भी उतर जाएंगे, हमें जगह पता नहीं है कि कहाँ उतरना है। और लैंड करते वक्त ये क्या निकल रहा है, ये सतरंगी धुआं क्यों निकल रहा है इससे। अब देखते हैं लैंडिंग के वक्त ये क्या यूज़ करता है। ये क्या है, छाता? अबे यार, हम ये बचपन में क्या करते थे, छाता लेके कूद जाना, छाते से कभी लैंडिंग नहीं होती। चलो छोड़ो, ये तो अलादीन के चाचा का लड़का है, ये कुछ भी कर लेगा, लेकिन आप कभी घर पे ये ट्राई मत कीजिए। तो आते ही हमने दीवार तोड़ दी और अब हम अंदर कूदेंगे। और ये क्या है, बबल गम के पानी का समंदर? यार इस गेम में सब अजीब है। अरे यार इस गेम में कुछ तो इंसानों वाली बातें डाल देते हैं। चलो छोड़ो, आते ही मुझे शॉट सुनाई दिए और ये बंदा मेरे पीछे आके कूद गया। अभी इसने कंटेनर फोड़ दिया इसलिए मैं इसको मार पाया, लेकिन भाई इसने उस बैटल में मेरी 50% HP खा ली। अब इस गेम में मुझे ये भी पता नहीं कि हेल्थ कैसे बढ़ाते हैं। जैसे कि इस गेम को देख के मुझे लग रहा है इंसानों वाली तो कोई बात नहीं होगी, इसलिए बैंडेजेस और फर्स्ट एड किट तो नहीं होगी। मुझे लगता है कुछ टोटका वोटका होगा जिससे हेल्थ बढ़ेगी। फिलहाल के लिए तो मेरी हेल्थ बहुत कम है, मतलब आधी हेल्थ सिर्फ। और अभी मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाई दिया कि मेरी लेफ्ट साइड से एक बंदा लैंड हुआ है, तो अब बाहर जाके देखेंगे। और बाहर मुझे गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, कुछ हम अपना लूट इकट्ठा कर लेंगे फिर जाके उन बंदे से निपटेंगे। और देखो भाई ये जगह भी कैसी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एलियंस पे रिसर्च होती होगी। तो मुझे यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो ये दीवार तोड़ के देखेंगे। और यहाँ पे एक खजाने की पेटी रखी हुई है और उसके खोलने के बाद मुझे एमोज और गन मिली। मतलब ये गेम अजीब के साथ साथ पुरातात्विक भी है, खजाने की पेटी में कौन गने रखता है यार। खैर छोड़ो, मेरे लेफ्ट साइड में दो बंदे फाइट कर रहे हैं, अब हम जाके मौके का फायदा उठा के दोनों को मार देंगे। एक बंदा तो मुझे दिख गया है, मैंने शॉट्स भी दिए उसे, और लगता है मर जाएगा, और ये मर गया। एक बंदा मैंने डाउन कर दिया है, अब देखना पड़ेगा दूसरा बंदा कहाँ छुपा हुआ है। और वो देखो, उसने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके रखा है, मतलब बंदा यही कहीं है। मुझे संभाल के खेलना होगा, मैं गन बदल लेता हूँ, एमो ले लेता हूँ, और अब आगे जाके देखता हूँ कि बंदा कहाँ है। पहले फुटस्टेप्स सुन लेता हूँ, फुटस्टेप्स से मुझे कंफर्म हो गया है कि बंदा मेरे आसपास ही है।
अब सिर्फ देखना है। और वो बंदा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लगता है उस बंदे ने मुझे देख लिया है। हाँ, मुझे देख लिया, उसने शॉट भी दिया लेकिन वो मिस कर गया है। अब देखेंगे बंदा कहाँ पे जाता है और कहाँ पे चला गया, भाग गया क्या? नहीं, वो आगे है। अब इसका भी गेम खलास कर देते हैं और ये भी, इसका भी गेम ख़त्म। और मुझे लगता है इस गेम में मैं जल्दी प्रो बन जाऊंगा, गेम इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम वहाँ से थोड़ा आगे आ गए, मैंने वॉकिंग का पार्ट थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि आप लोगों को बोर नहीं होना चाहिए इसलिए। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ, मतलब स्टॉप का साइन लगाया हुआ है अच्छी डेकोरेशन से। और मुझे लगता है एक और बंदा दिख गया मुझे, एक और बंदा, वो देखो भाग रहा है। अब इसको भी मार देते, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा लगता है, डिफिकल्ट तो जाएगा लेकिन इसे मैं मार के रहूँगा। और एन मौके पे मेरी गन रिलोड पे आ गई थी। और अब ये बंदा कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी डिफेंस के लिए, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाया और ये भी ख़त्म हो गया। अब कुछ बैंडेज ले लेंगे इसके पास से। तो अब मेरे पास बैंडेजेस भी है, तो मैं जल्दी से अपनी हेल्थ को रिकवर कर लेता हूँ और मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आ रही है स्ट्रॉम। स्ट्रॉम मतलब जैसे पबजी में अपना प्ले जोन होता था, वैसे इस गेम में स्ट्रॉम होता है। अगर आप इसमें आ जाओगे तो आपकी हेल्थ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो मैं भागूंगा तो सही लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बाहर पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरे राइट साइड पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि पार करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे आगे एक गाड़ी दिख रही है, मैं जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ के इस प्ले जोन से बाहर निकल जाऊंगा। इस गेम का गाड़ियों का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ स्लिपरी लग रही है, ऐसा लग रहा है रोड पे गाड़ियाँ चल नहीं सकती। और ये क्या है, रास्ता पहाड़ में कहाँ चला गया भाई? मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, फिर एक तो यहाँ पे रास्ता नहीं है और गाड़ियों का कंट्रोल भी अच्छा नहीं है, मैं गारंटीड मरने वाला हूँ। मुझे लगता है इस गाड़ी का नाम है महिंद्रा बाहुबली क्योंकि जिस तरीके से ये पेड़ तोड़ते हुए जा रही है, ये आम गाड़ी नहीं है। और ये क्या है यार, गाड़ी पानी पे कैसे चल सकती है? अब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, मेरे पास बैंडेज नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, डीजोन का फैन क्लब बन चुका है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से जाके उसे फॉलो कर लीजिए। बाय।